आज नवरात्र का सातवां दिन है और मंदिरों में कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। मां कालरात्रि नवदुर्गा का सातवां स्वरूप है और ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। कहते हैं मां कालरात्रि की आराधना से शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार शुंभ निशुंभ के साथ रक्त बीज का विनाश करने के लिए देवी ने कालरात्रि का रूप धारण किया था। घर घर से लेकर देश भर के मंदिरों में कालरात्रि के जयकारे गूंज रहे हैं। दूसरी तरफ रामनगरी अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या में इस बार की रामनवमी बेहद खास होने वाली है क्योंकि वहां नए तरीके से इस बार राम के जन्मोत्सव को मनाया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही रामलीला के दर्शन के लिए दर्शन की टाइमिंग में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। आलम यह है कि रामनवमी के मौके पर रामधुन गूंज रही है। ऐसी ही एक रामधुन हम आपके लिए लेकर आए हैं, सुनिए। हरे रामा रामा राम सीता राम लगन ग्रह बारी तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म कर मूल नौमी तिथि मधुमा शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता राम सिया राम चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में अभिजित मुहूर्त में प्रभु श्री राम का प्रकट्य हुआ और समय भी ऐसा मध्य दिवस अति शीत न घामा मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा मध्य दिवस में प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ। शीतल मंद सुगंध तीनों हवाएं चलने लगी। संतों के मन में बड़ा हर्ष आ गया। पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता सब श्री अयोध्या जी के ऊपर आकर के आकाश मंडल से भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। सब दर्शन कर रहे हैं। विधाता ब्रह्मा जी सहित सभी देवता विमान सजाकर चल दिए कहां श्री अयोध्या धाम के लिए। धन्य है वह धरती जहां समस्त सृष्टि के गंधर्वों का दल भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में भगवान का गुणगान करने लगा। पुष्प वर्षा होने लगी। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम प्रकट हुए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोली चारु भैयन की, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरा
तो आज माँ के सातवें स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है, यानी कालरात्रि की पूजा अर्चना हो रही है। माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। आइए जानते हैं कि क्या है कालरात्रि की महिमा और पूजा की सही विधि। नव दुर्गा का सातवां स्वरूप है और ये स्वरूप काफी भयंकर है। इनका रंग काला है, तीन नेत्रधारी हैं। मां कालरात्रि के गले में विद्युत की बिजली की अद्भुत माला है। इनके हाथ में खड्ग और कांटा है और इनका वाहन है गधा। तो माता कालरात्रि का जो स्वरूप है, खुले हुए बाल, विकराल स्वरूप, आंखों से अग्नि निकलती हुई, काला रंग, हाथ में खड्ग, बड़ा ही भयंकर स्वरूप है। लेकिन ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, इसीलिए इनको शुभंकरी भी कहते हैं। जो हमेशा शुभ करें उन्हें शुभंकरी कहा जाता है। माता कालरात्रि की पूजा रात के समय में करें। नवरात्रि वैसे भी रात की पूजा है। माता के सामने घी का एक दीपक जलाएं, माता को लाल फूल अर्पित करें और गुड़ का भोग लगाएं। माता के मंत्रों का जप करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जो गुड़ का भोग माता को लगाया है उसका आधा भाग परिवार में बांटें और बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दें। काले रंग के वस्त्र धारण करके माता की पूजा न करें। किसी शत्रु को, विरोधी को नुकसान हो जाए ये उद्देश्य रख कर भी माता की पूजा ना करें। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में माता कालरात्रि के दर्शन के लिए भक्त सुबह 4 से पहले ही मंदिर में पहुंच गए। फिर इन भक्तों ने मंदिर के बाहर ही माता के जयकारे शुरू कर दिए। बड़ी संख्या में वहां मौजूद महिलाओं, बच्चों ने मिलकर माता के भजन गाए। वहां काफी देर तक भजन कीर्तन चलता रहा। बाद में इन्हीं सभी लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया और माता के दर्शन और पूजन किया। देखिए, भक्तों की मौजूदगी में माँ झंडेवालान का भी श्रृंगार किया गया। फिर पुजारियों ने माता की आरती उतारी। आज यानी नवरात्र के सातवें दिन देश भर के मंदिरों में माँ कालरात्रि की आराधना की जा रही है। माँ कालरात्रि के दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें हैं। कतारों में लगकर भक्त जो है माता को दर्शन करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। भोर में प्रातः में जो पहली आरती की गई उसकी तस्वीर है। मैं सतपाल ब्रिजा, माता रानी के दर्शन करने में 60 साल से आ रहा हूँ। जो मैंने मांगा यहाँ मिला। झंडेवाल की बहुत मेरी कृपा, बहुत कृपा रही है झंडेवाल माता की। झंडेवाल मंदिर जरूर आता हूँ, चाहे वो चैत्र नवरात्रे हो, चाहे वो बाद में जो नवरात्रे आते हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, सॉरी। मैं जो भी ना आते हो, मैं हर बार आता हूँ। और मैं बचपन से ही, जब से मतलब पैदा हुआ हूँ, तब से मम्मी पापा के साथ आता था। अब वो शाम को आते हैं, मैं सुबह 4:30 वाली आरती जरूर कवर करता हूँ। 50 साल से माता के दर्शन करने आ रहा हूँ। माता रानी ने मेरे को बहुत सुख प्यार दान दिया है। माता रानी के मैं सदा आभारी रहूँगा। जय माता। छतरपुर मंदिर से मां के दर्शन करवाते हैं। छतरपुर मंदिर में सुबह मां कालरात्रि की आराधना की गई। शंख और घंटी के बीच भक्तिमय माहौल में माता की आरती उतारी गई। आरंभ ये रहा कि मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही भक्तों की भीड़ मंदिर के बाहर जुटने लग गई। मां की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे। असल में दिल्ली का छतरपुर मंदिर काफी प्रसिद्ध है और देश के अलग अलग हिस्से से दिल्ली घूमने के लिए पहुंच रहे लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि में यहां की रौनक देखने लायक होती है।
तो मंदिरों में कैसी है रौनक, ये दिखाने के लिए हमारे दो संवाददाता मंदिर में मौजूद है। हमारे साथ शिल्पी जुड़ गई हैं जो लखनऊ में जुड़ी हुई हैं, जबकि पंचकुला से हमारे साथ जुड़ गए हैं ललित। ललित पहले आपके पास आ रहे हैं, तस्वीरें दिखा दीजिए आज माँ कालरात्रि की किस प्रकार से श्रृंगार किया गया। कहते हैं कि देखने में तो बहुत भयानक है, काल भी डरता है उनसे, लेकिन कृपा बहुत बरसाती है, तमाम कष्टों का निवारण हो जाता है माता की, अगर हम सही मायनों में उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो। आज सातवां दिन है माँ दुर्गा के स्वरूप का और इस वक्त हम माता मनसा देवी में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको एक बार दर्शन करवा देते हैं माता मनसा देवी के। खास तौर पर अगर हम आज के दिन की बात करें तो माता मनसा देवी का जो श्रृंगार है अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से जो गुलाबी रंग है उसमें आज माता मनसा देवी का श्रृंगार है वो किया गया है। सोने का मुकुट है वो माता मनसा देवी के सिर पर स्थापित है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं आज भी जो जिस तरह से जो पूजा होती है उसी भाव में यहाँ पर सुबह पूजा हुई है। लेकिन अगर हम सातवें दिन की बात करें तो आज काल रात्रि की जो पूजा है वो की जाती है, और अगर हम काल रात्रि की बात करें तो उन्हें नीले रंग का वस्त्र है या फिर काले रंग का वस्त्र है वो चढ़ाया जाता है। उसके साथ अगर हम भोग की बात करें तो उन्हें जो गुड़ का भोग है वो चढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ आपको दिखा दें कि यहाँ पर भक्ति विश्वास का अनूठा संगम है वो देखने को मिलेगा। लंबी लंबी कतारें यहाँ पर श्रद्धालुओं की है। सुबह से ही जो मंदिर के कपाट है वो खोल दिए गए थे, जयकारे यहाँ पर माता मनसा देवी में लग रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत प्राचीन ये मंदिर है, लगभग 500 साल पुराना ये मंदिर है, और यहाँ पर जो श्रद्धालु है बड़ी दूर दूर से यहाँ पर माता के दरबार पर पहुँचते हैं, हाजिरी लगाते हैं। कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, जो भी दिल से की जाती है माता मनसा देवी है उनकी उस इच्छा को, उस मनोकामना को पूरा करती है। यानी कि आप देख सकते हैं पूरा जो मंदिर प्रांगण है वो इस वक्त भक्ति से, जयकारों से गूंज रहा है। दूर दूर से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँच कर माता मनसा देवी की भक्ति में पूरी तरह से लीन इस वक्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ललित, लौटेंगे आपके पास। आपने मनसा देवी की तस्वीरें तो दिखा दी, उनके दर्शन हमारे दर्शकों को करा दिया। अब शिल्पी का भी रुख कर लेते हैं। शिल्पी, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ माता का किस तरीके से श्रृंगार किया गया है, भक्तों का क्या कुछ कहना है बताइए। मैं लखनऊ में चौक स्थित बड़ी काली जी के मंदिर में इस समय हूँ, और जिस तरह से हम पहले भी दिखाते रहे हैं कि माँ काली का जो रूप है वो यहाँ उनकी पूजा लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में होती है, यानी जो विग्रह है वो लक्ष्मी नारायण का है या नारायण और नारायणी का है, और माँ काली की पूजा होती है। लेकिन आज काल रात्रि का दिन है, माँ काल रात्रि देखने में चाहे उनका रूप जितना भयंकर हो लेकिन शुभंकरी है वो, सिर्फ इसलिए कि वो माँ है और माँ कभी भी अपने बच्चों के लिए भयंकर नहीं हो सकती, वो सिर्फ उनका शुभ करने वाली ही हो सकती है। इसलिए माँ को पूजा अर्चना यहाँ लोग कर रहे हैं और अपनी मनोकामना कह रहे हैं कि उस रूप में भी माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। जो यहाँ पर भक्तों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कि जो माँ के सामने पहुंच रहे हैं भक्त वो यहाँ आते हैं, और देखिए यहाँ से लेकर के कतार पूरा मंदिर के बाहर, और बल्कि मंदिर के बाहर करीब 1 किलोमीटर तक है जहां से भक्तों को कतार में अंदर आने दिया जा रहा है। और जयकारा अगर हम न लगाएं एक बार तो नहीं हो सकता, तो यहां के जो वॉलंटियर्स हैं उसमें आप भी हैं। जयकारा हम चाहेंगे एक बार, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, कोई ना बोलिए, अभी थोड़ी देर में बोलेंगे सब, अभी सब जयकारा लगा रहे हैं। बिल्कुल देखिए तो यहाँ पर जयकारा लोग लगा रहे हैं, और यहाँ पर आज पूजा अर्चना का जो सिलसिला है, वैसे तो नवरात्र के पूरे 9 दिन में भोर में ही शुरू हो जाता है, हर दिन अलग अलग भोग लगाया जाता है, अलग अलग श्रृंगार किया जाता है, और आज भी दिन के अनुरूप वस्त्र माँ को पहनाए गए, धारण कराए गए हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। बिल्कुल शिल्पी, क्योंकि शोर चूंकि इतना ज्यादा है शायद उन तक जयकारा पहुंचा नहीं भक्तों तक,
लेकिन तस्वीरें बहुत विहंगम है शिल्पी, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे पहले दिन से आप तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं शिल्पी, तो हम लोगों ने नोटिस किया कि दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा नजर आता है। देखिए नवरात्र के जो 9 दिन होते हैं, जब जो लोग 9 दिन का व्रत उपवास करते हैं वो शुरू करते हैं कलश स्थापना के साथ पूजा करते हैं, और हर दिन कुछ लोग मंदिर आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सातवें दिन या हम कह सकते हैं सप्तमी के दिन, अष्टमी के दिन और नवमी के दिन आते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि जो ये चुनरियां बंधी हुई है ये मनोकामना की चुनरी है, यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं और चुनरी बांध करके अपनी मनोकामना माँ से कहते हैं। वैसे कहने की भी जरूरत नहीं, कहा तो ये जाता है कि आपके मन में जो भी भाव होता है माँ उसको समझ लेती हैं, और जिस तरह से कहा गया है सर मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्व स्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो आपकी जो भी दुख है, जो कष्ट है उसको हरने वाली है माँ। आप यहाँ आकर ही शांति का, सुकून का अनुभव तो करते ही है, लेकिन आपके मन में जो बात है वो भी माँ तक पहुंचती है। और इस मंदिर के बारे में अगर कहा जाए तो इसलिए भी इसका अनुपम विग्रह है, तो लोग देखते भी हैं माँ को, जो चोला चढ़ता है, जो वस्त्र चढ़ता है वो भी नारायण और नारायणी दोनों के लिए होता है। अपने आप में ये बात अद्भुत है यहाँ पर, क्योंकि पूजा माँ काली की होती है लेकिन लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए माँ के जो माँ की जो पूजा होती है उसमें कई चीजें विशेष होती हैं, जिसमें नारियल हमेशा विशेष होता है। इसके अलावा माँ का श्रृंगार, क्योंकि नवरात्र को माना ही जाता है श्रृंगार के लिए, तो माँ का श्रृंगार लेकर के, यानी श्रृंगार की सामग्री, कुछ लोग 16 श्रृंगार लेकर के, कुछ लोग चूड़ियां बिंदी काजल और इसके साथ आलता और सिंदूर लेकर के पहुंच रहे हैं और माँ को अर्पित कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि माँ उनका सौभाग्य बढ़ाएंगी, क्योंकि माँ को श्रृंगार बहुत पसंद है। माँ को श्रृंगार बहुत पसंद है और इसीलिए जो महिलाएं हैं वो आज श्रृंगार करने के लिए पहुंचती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी। नवरात्र का पावन पर्व है और भक्तों को माता की कृपा के साथ रामलला के दर्शन का भी अब आस उनमें जग चुकी है। सरयू किनारे सजी अयोध्या नगरी में भक्तों का तांता लगातार देखने को मिल रहा है। इस साल की शुरुआत रामलला के भव्य दिव्य धाम के विराजने के साथ हुई। अब घड़ी राम जन्मोत्सव की देखने को मिल रही है। पहली बार नए दिव्य और भव्य धाम में रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाना है। श्रद्धालु बहुत उत्साहित हैं। अभी से मंदिर की तरफ जाने वाली सड़कों पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तमाम तरीके से श्रृंगार किया जा रहा है, तमाम तरीके से सिक्योरिटी दी जा रही है और कोशिश जाहिर तौर पर यही है कि पहले वर्ष में बड़े ही भव्य तरीके से रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाए। वहां पहुंचे भक्तों को रामलला की मनमोहक मूर्त अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। आलम यह है कि दर्शन के लिए दिनों दिन भक्तों की संख्या बढ़ रही है। असल में इस बार की रामनवमी बेहद खास होने वाली है। इस बार रामनवमी पर रामलला के माथे पर सूर्यदेव स्वयं तिलक लगाएंगे। तकनीक के जरिए ऐसा होगा कि दोपहर में सूर्य की किरणें रामलला के माथे को चूमेंगी। कहते हैं कि राम जन्म के वक्त 1 महीने तक सूर्यदेव अयोध्या में ही रुके थे। सज रही है भगवान राम की नगरी। अयोध्या में रामनवमी के भव्य उत्सव की तैयारी। अवधपुरी में इस बार रामनवमी का त्योहार अद्भुत होने वाला है। दशकों के इंतजार के बाद 17 अप्रैल को भव्य राम मंदिर में रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। वर्षों के बाद राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में लाखों की तादाद में श्रद्धालु इस शुभ अवसर पर अवधपुरी में रामोत्सव के साक्षी बनेंगे। मंदिर की साज सज्जा से लेकर श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारियां की गई हैं। कृपा कर सब कोई
रामनवमी के मौके पर 16, 17 और 18 अप्रैल को मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 20-20 घंटे खुले रहेंगे। इसके साथ भक्तों को दर्शन में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए 7 पंक्तियों में दर्शन करवाए जाएंगे। माना जा रहा है कि रामनवमी के मौके पर करीब 40 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच सकते हैं। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का वो पल बेहद अद्भुत और अलौकिक होगा जब रामनवमी पर ठीक दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का जन्मदिन मनाया जाएगा। इस पावन क्षण पर सूर्य की किरणें रामलला का अभिषेक करेंगी। ये रोशनी भगवान राम के मस्तक पर तिलक के रूप में दिखाई देगी। जाहिर है इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों में कैद करने के लिए लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य के तट पर मौजूद होंगे। ऐसे में रामनवमी मेले के लिए प्रशासन ने 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिया है। और अब बात बाबा बर्फानी की। इन्हें बाबा बर्फानी कहें या भगवान अमरनाथ, इस साल दर्शन के लिए इनके भक्त आतुर रहते हैं। इस बार 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और यात्रा में शामिल होने के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। करीब 1.5 महीने से ज्यादा चलने वाली इस यात्रा में देश भर से लाखों लोग प्राकृतिक रूप से बर्फ से बनने वाले शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं ITBP के जवानों को जो अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज से रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत हो जाएगी और किस तरीके से पुलिस को खास तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है राहत बचाव को लेकर, वो आप तीसरी तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इस बीच सुरक्षा बल के जवान भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में इन दिनों ITBP जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ITBP, NDRF और CRPF के जवानों को बारी बारी से राहत और बचाव अभियान की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन जवानों को जरूरत पड़ने पर घायलों को उठाकर ले जाने की भी तकनीक बताई गई है। खास बात तमाम सिखाई गई है, खाई से किस तरह से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, ये गुर भी उनको सिखाए जाते हैं। इसके अलावा तेज हवा और बर्फबारी के दौरान झूलते पुलों से कैसे गुजरा जाए, ये सब भी इस ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। जवानों को तमाम तरीके से सिखाया जाता है क्योंकि यात्रा के दौरान आई मुश्किल में ट्रेनिंग के दौरान सीखे गए ये स्किल्स ही काम आते हैं। अमरनाथ की जो देखा जाए तो जो श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं वो हाई एल्टीट्यूड ट्रैक है, गणेश टॉप की 15,000 हाइट है, तो वहाँ एक स्नोफॉल ग्लेशियर्स या अवलांचेस या जो ऐसे रॉक वाले एरिए हैं वहाँ काफ़ी यात्रियों के चैलेंज रहते हैं। वहीं उसी तरह की हम ट्रेनिंग देते हैं जहाँ पे जो नड सांबा को, कि जहाँ अगर कोई ऐसी वहाँ यात्रियों के साथ कोई हादसा होता है तो उनको किस तरह की मदद हम तुरंत पहुंचाएं। हम मेडिकल भी के लिए ट्रेनिंग देते हैं और रेस्क्यू की भी देते हैं, दोनों तरह की उनको ट्रेनिंग जहां पे हम दे रहे हैं। मैं तो देशवासियों को यही संदेश दूंगा कि आप बेफिक्र होकर यात्रा में आइए और हम आपको वहां पे मिलेंगे और आपकी बहुत आपको जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी तो हम तैयार रहेंगे। इस साल 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है जो 19 अगस्त तक चलेगी। यानी इस साल भक्तों के लिए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए करीब 52 दिन हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सरकारी आदेश के मुताबिक 13 से 70 साल की उम्र तक के भारतीय नागरिक अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए यात्रा के लिए जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया चल रही है लगातार। सबसे पहले आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन होना कैसे है। देखिए 15 अप्रैल यानी आज से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा आप सकते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लॉग इन करना होगा। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन के लिए आप www.jksasb.nic.in पर क्लिक करें, यहाँ आपको सारी डिटेल्स भरनी होंगी। बिल्कुल गुंजन, देखिए इसके अलावा आपको बता दें कि मोबाइल एप्लीकेशन से रजिस्ट्रेशन करना अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐप बस आपको डाउनलोड करनी होगी। वहीं पंजाब नेशनल बैंक, SBI, यस बैंक और जम्मू और कश्मीर बैंक से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज में आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो, ऑफलाइन अगर आप कर रहे हैं तो 5 आपकी फोटो लगेंगी, इसके अलावा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए इसके अलावा आपको बता दें, अमरनाथ जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेडिकल सर्टिफिकेट। अमरनाथ के लिए तीर्थ यात्रा अनंतनाग जिले में पहलगाम मार्ग और गांधीबल जिले में बालटाल मार्ग दोनों रास्तों से शुरू होगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत हो गई है। बिल्कुल, अब आपको पड़ोसी देश नेपाल में मनाए जा रहे उत्सव की झलक दिखाते हैं, जहां सुदूर यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नेपाल के दूर दराज के इलाकों से लोग इस आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस पारंपरिक उत्सव में पालकी में देवी देवताओं की मूर्तियों को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। लोगों ने 32 देवी देवताओं के शाही रथ खींचे। इस दौरान लोग नाचते गाते नजर आए, जबकि कुछ श्रद्धालुओं ने हवा में सिंदूर उड़ाया और एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर भी लगाया। बताया गया कि हर साल चंद्र नववर्ष के स्वागत में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और सिंदूर यात्रा निकाली जाती है। देखिए, तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नेपाल में नववर्ष का स्वागत किया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिंदूर यात्रा यहां पर निकाली जाती है और भव्य उत्सव मनाया जाता है। चारों ओर उत्सव का उल्लास आपको नजर आएगा और इस तरीके से नए साल का स्वागत नेपाल में हुआ है, कई तरीके के वाद्य यंत्रों के बीच और सिंदूर के साथ नए साल का वेलकम नेपाल में हुआ है। अब आज चुनावों से जुड़ी कर लें, लोकतंत्र के उत्सव की बात हो जाए, मेरठ में टेलीविजन के राम यानी अरुण गोविल ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया। अरुण गोविल के लिए यहां भी वो जहां पर भी जा रहे हैं लोगों की भीड़ जो है उनको आस्था की नजरों से लगातार देख रही है। बीजेपी के टिकट पर मेरठ से चुनाव लड़ रहे अरुण गोविल को लोगों में प्रत्याशी से ज्यादा प्रभु श्री राम की छवि नजर आ रही है। कहने को तो ये चुनाव प्रचार है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल में आज भी लोगों को भगवान राम की छवि नजर आ रही है। रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल जब मेरठ के भगवतपुर मोहल्ले में पहुंचे तो उनका वहां जोरदार स्वागत हुआ। माला पहनाई गई, तिलक लगाया गया, जहां भी गए उन पर पुष्प वर्षा हुई। अरुण गोविल जब एक घर में भोजन के लिए पहुंचे तो माहौल ऐसा बना जैसे शबरी की झोपड़ी में राम पधारे हों। वहां अरुण गोविल ने खीर सब्जी रोटी चखी, बीजेपी पार्षद के घर चाय की चुस्की लेते हुए चुनावी चर्चा भी की। अरुण अपने चुनाव प्रचार में दिन रात एक किए हुए हैं। बीजेपी ने मेरठ से उन्हें लोकसभा का टिकट दिया है। अरुण अपनी जीत को पक्का करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती पर अरुण गोविल सुबह सुबह मेरठ में अंबेडकर चौराहे पर लगी बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पहुंचे और वहां उनको नमन किया। सीरियल रामायण से घर घर में लोकप्रिय हुए अरुण गोविल को लोग आज भी भगवान राम के रूप में देखते हैं और वो भी इस बात को मानते हैं कि रामायण में राम का किरदार इस चुनाव में जीत की कुंजी बन सकता है। जो लोगों के मन में मेरे लिए प्रति श्रद्धा है वो रहेगी। अब मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो आई एडोर इट। कन्वर्ट होगा वो वोट में जो सम्मान प्यार आपको मिल रहा है, क्यों नहीं होगा। मेरठ लोकसभा सीट पर मतदान दूसरे चरण में है और धीरे धीरे अब चुनाव का रंग नजर आने लगा है। ऐसे में रामायण के राम को मेरठ की जनता जीत से नवाजती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग उन्हें बीजेपी प्रत्याशी से ज्यादा राम राज्य की कल्पना वाले रामायण के राम के तौर पर ज्यादा देख रहे हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी, गुड न्यूज टुडे। अप्रैल महीने में जब सूरज की गर्मी बदन झुलसा रही है, ऐसे में अहमदाबाद में बच्चों और युवाओं की टोली बर्फबारी के बीच मौज मस्ती करती दिख रही है। लेकिन अहमदाबाद में बर्फबारी का जिक्र सुनते ही आपके भी कान खड़े हो गए होंगे, आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? तो हम आपको बताते हैं, ये स्नो पार्क है जहां बर्फीला माहौल तैयार किया जाता है। इस स्नो पार्क में लोग जमकर मस्ती करते हैं, कुछ लोग बर्फ की चादर पर लेट गए तो कुछ लोग डांस करते हुए नजर आए, जमकर मौज मस्ती यहां पर की गई।
देखिए गर्मी के इस मौसम में किस तरीके से लोग ठंड का एहसास कर रहे हैं। स्नोपार्क से ये जो तस्वीरें निकल कर आई हैं ये वाकई बहुत सुकून देने वाली हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल है और इन सब के बीच में इस तरीके से लोग इंजॉय कर रहे हैं। अभिनेता रणवीर सिंह और एक्ट्रेस कृति सेनन बाबा भोले की नगरी काशी पहुंचे। वहां उनके साथ फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट से सीधे ये सभी अस्थियां बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, फिर मां गंगा को नमन कर क्रूज की सवारी का लुत्फ उठाया। देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप रणदीप को देखेंगे, रणवीर और कृति सेनन आपको नजर आएंगे इन तस्वीरों में, जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए वो पहुंचे। और दूसरी तस्वीर क्रूज सवारी की तस्वीर है।